हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कल की बात आज यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन में। गाइस आज है फ्राइडे, आज भविष्यवाणी करूंगा कि मंडे को क्या टॉप बनेगा, कहां पे सेल करना है, क्या टारगेट रहेगा, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, कहां पे बाइंग करनी है, और स्पेशल जो राइटर्स है उनको एक रेंज दे दूंगा कि किस रेंज में आप मोटा पैसा कमा सकते हो। एक्यूरेसी लेवल सर, आप मुझे 10 दिन कम से कम फॉलो करें उसके बाद बताएं। मोर देन 553 एपिसोड्स बना चुका हूं और आज स्वागत करता हूं 554 एपिसोड्स में। तो दोस्तों, जैसा कि बुल ने लगाई बियर को किक, अब आगे क्या क्या किक में जो मैंने कल आपको बोला था, थर्सडे को ही रात को 9 बजे वीडियो डाल दिया था कि बॉस करना क्या है, चलिए चेक करते हैं। तो डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सो दैट मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मार्केट में बैठना है तो किधर बैठना है, बियर साइड में बैठना है या फिर बुल साइड में बैठना है, तो ये मेरा एजुकेशन देने की कोशिश करता हूं, सो दैट आप लोग सीख कर स्टॉक मार्केट की दुनिया से पैसा कमा सको। और मैं एज अ सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इन लेवल्स में खुद भी काम करता हूं और अपने क्लाइंटों को भी व्हाट्सएप सर्विसेज के माध्यम से डिलीवर करता हूं पर्सनल सपोर्ट के साथ में। तो चलिए सर, सबसे पहले ये बताओ मजा आया कि नहीं आया? एडवांस में बोला था निफ्टी को बाइंग करने के लिए, बैंक निफ्टी को लोअर लेवल पे बाइंग करने, जहां पूरी दुनिया डर रही थी, मार्केट ने वहां से रॉकेट बनाया। लोअर लेवल हम लोगों ने प्रिडिक्ट करके दिखाया था और जब मार्केट गिरा था, टॉप लेवल हमने प्रिडिक्ट आया था कि इसी जोन से गिरने वाला है, इसी जोन से बाइंग होने वाला है। रिजल्ट प्रूफ आपके सामने है। अब कल की बात करते हैं इंट्राडे के लिए जो आज मैंने दिया था। निफ्टी फ्यूचर्स में मैंने क्लियर कट बोला था 17,570 के ऊपर बिंदास बाइंग करेंगे। आज आपके सामने रैली है और इसने जो बनाया है 570 के बाद मेड हाई 17,247, यानी कि 570 के बाद आप चेक कर लीजिए सर, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के रैली किंग रिसर्च ने एडवांस में बता दिया था। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक बाइंग नहीं करेंगे, जब कंफर्मेशन आएगा बढ़ाएगा, क्योंकि किंग रिसर्च हमेशा बोलता है सर 10-15-20-50 पॉइंट के लिए काम नहीं करता है, 100-200-300-400-500 पॉइंट के लिए काम कर रहा है, तो किंग रिसर्च को फॉलो करना है। बड़े टारगेट यानी कि छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़ा कैसे कमाया जाए वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो अब रात गई बात गई, आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मजा आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जो नए लोग हैं ध्यान से सुन लो, आपको करना क्या है, थोड़ा सा मोमेंटम आज मैंने इसमें खोते खोते देखा है, ठीक है? अब आपको कल की रणनीति बता रहा हूं यानी कि मंडे की। मेरे दोस्त ध्यान से समझ लेना, मार्केट जब तक 570 के ऊपर है नो प्रॉब्लम। पहला टारगेट मैंने ये बोला था 670 हिट हो गया, दूसरा टारगेट मैंने बोला था 17,747, जो आज भी सेम चीज बोल रहा हूं, सेकेंड टारगेट 17,747 तक का हमारा हो सकता है, ओके? अब जो थर्ड टारगेट होगा 17,770 तक का हमारा थर्ड टारगेट होने वाला है। दिस इज फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकंड टारगेट एंड दिस इज थर्ड टारगेट। पहला तो हो गया, हो सकता है कल मार्केट इस ट्रेंड को कंटिन्यू करे और ये सेकंड टारगेट आ जाए और उसका थर्ड टारगेट आ जाए। बट जैसे ही थर्ड टारगेट आए अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बाइंग साइड का जो आपने माइंड सेट बना रखा है उसको अब वहां से निकल जाइएगा। अब इस जोन में मैं सेल करने के मूड में हूं, यानी कि मैं आज ही, जब पूरी दुनिया खुशी मना रही है कि मार्केट टॉप पे जाएगा और जाएगा, ये जाएगा 18,000 जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट एक अच्छी खासी जो आज की मूवमेंट थी 2% वाली रैली जो देखने को मिली है, इस मूवमेंट को जो गर्माहट है इसको ठंडा करना पड़ेगा। तो अगर ये 770 एंड 847 के रेंज में आता है इस जोन में, ओनली थिंग फॉर द सेल, जो मैं आंख बंद करके नहीं, आपको सिर्फ सोचना है कि इस जोन में सेल करना है, तो आपको एग्रेसिव पोजीशन यहां पे नहीं बनाना है। आप बिल्कुल सोच के समझ कर ट्रेड करेंगे। हो सकता है आप 10 जनों को फॉलो करते हो, एक बंदा बोलेगा भाई, दूसरा बोलेगा सेल, तीसरा बोलेगा भाई, चौथा बोलेगा सेल, तो भैया आपको बस मैं ये सलाह दूंगा कि यहां पे अपनी क्वांटिटी कम कर लेना। आपको बहुत मन कर रहा है ट्रेड करने का, भाई मैं तो नहीं करूंगा, इस जोन पे सेल करने का सोचूंगा। जहां कंफर्टेबल जोन आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाइव मेंटरशिप में वहां पे आपको शेयर कर दूंगा, नो वरी एट ऑल, ठीक है? ये आपको क्लियर? तो इस जोन में मैं सेल करने का सोचूंगा, बात ही खत्म। कहां करूंगा? टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा लाइव मार्केट के अंदर, मेंटरशिप के अंदर, ठीक है? अगर बाई चांस यहां से पैनिक होता है इट विल कम डाउन, तो नोट कर लो आपको इमीडिएट बेसिस पे 17,627 के नीचे अगर सस्टेन करता है बिंदास सेल करेंगे। पहला टारगेट
17,547 का पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 17,470 का दूसरा टारगेट होगा, एंड सिट्रैक्स लोअर लेवल पे सामने से आके बताऊंगा भाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या था समझ में आ गया क्लियर। अब आ जाइए बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा का प्रॉफिट कल ही बता दिया था आज मार्केट बैंक निफ्टी ने, ओनली डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून 500 पॉइंट की रैली और 150 पॉइंट की निफ्टी ने रैली दी है। सर मैं अगेन बोलूंगा, आप जितनों को फॉलो करते होंगे, एक चीज मैं जरूर चेक करने के लिए बोलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, टारगेट किंग रिसर्च कैसे टारगेट देता है, बड़े टारगेट देता है, मजा आता है कि नहीं आता है, या फिर आज भी 70 80 50 60 70 80 50 60 70 80 इसी पे कबड्डी खेल लो, ये आपका कॉल है। तो अगर 50 60 70 80 के लिए आप फॉलो करना चाहते हो किंग रिसर्च को, तो ना करें, हम्बल रिक्वेस्ट है। 300 500 1000 पॉइंट के लिए अगर कमाना है तो किंग रिसर्च को फॉलो करना। मैं ये नहीं कह रहा रोज आएंगे, पर जब आएगा छप्पर फाड़ के खाएंगे, छोटा छोटा 70-80 पॉइंट मार्केट को देने को रेडी है, ये मेरा बिलीव है। बाकी आप लोग का कॉल है, आप जिसको बिलीव कर दो उसको आप बिलीव करें, वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। क्लियर कट बोला था 41,000 कहां पे बोला था आपको, 41,156 के ऊपर बिंदास बाइंग करेंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं 500 पॉइंट की रैली है कि नहीं है। एनीवे रात गई बात गई, जो बोला था कल बोला था, अभी जाने दो यार, अब क्या करें सर ये बताओ। आ रहा हूं ठीक है मेरे दोस्त, जो ऊपर का टारगेट होगा अगेन 156 के ऊपर, पहला टारगेट 456 का अचीव्ड, दूसरा टारगेट है 41,456 का सेकंड टारगेट है, थर्ड टारगेट 41,856 का थर्ड टारगेट है। क्लियर, ये मेरे तीन टारगेट है अपर लेवल पे। इतना और रैली के बाद इस जोन में 41,856 42,156 के जोन में आपको थोड़ा सा सेल करने का सोचना है, बात खत्म। जब तक 42,256 के ऊपर नहीं जाएगा हम लोग बाइंग करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हो, बिल्कुल 41,856 रेंज में थोड़ा सा बड़ा है, बट इस जगह पे मेरे को हडल दिखा है, सप्लाई जोन दिखा है, पावरफुल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो इस जोन में आपको सेल करने का सोचेंगे, बात खत्म। सिंपल एंड आसान शब्दों में बता रहा हूं सर, प्लीज पेपर पेन कर लेकर वीडियो को दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कर लीजिए, अलर्ट लगा दीजिए एंड सिट रिलैक्स, मजे करो अपने सैटरडे फ्राइडे संडे जो भी है आप मजे करो, मंडे को इन्हीं लेवल्स के ऊपर जो आपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगे होंगे उसको उठा के देखना, फिर बताना कमेंट करके मजा आया कि नहीं आया। अगर बाई चांस यहां से पैनिक होती है, ऊपर जाता ही नहीं नीचे आता है, तो मेरे भाई 41,256 इंपॉर्टेंट क्रूशियल लक्ष्मण रेखा है जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। 41,256 टूटा तो भैया ये पैनिक दिखा सकता है, कहां तक दिखा सकता है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं। 40,856 का पहला टारगेट हो सकता है, 40,656 का दूसरा टारगेट हो सकता है, तो ये जो दो टारगेट इमीडिएट बेसिस पे मुझे दिख रहे हैं यहां तक मार्केट पैनिक हो सकता है। और लोअर लेवल पे कब बाइंग कर रहे हैं, कम एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। कुछ भी मार्केट के बीच में अपग्रेड करना है, अपडेट देना है, कुछ भी लेवल्स आपको अपडेट करना है, कोई ऑप्शंस के कॉल्स हो गया, कुछ भी XYZ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं अपने टेलीग्राम में शेयर करता हूं, वहां से आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे शेयर करूंगा एक और चीज। सर कितने लोगों को याद है WPI लाइव मार्केट में आके मैंने बोला था कि बाइंग करें, 1300 रुपए के प्राइस पे आसपास बोला था बाइंग करने के लिए, खुद भी बाइंग किया था और डिस्क्लेमर भी दिया था कि भैया आप भी बाइंग कर सकते हो, मेरे पास हो सकते हैं इसकी पोजीशन, आपके पास भी हो सकती है। और आप देखिए सर कितने दिन के अंदर, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, कितने दिन के अंदर, हार्डली एक महीने के अंदर 56% की रैली लाइव मार्केट के अंदर बोलने के बाद दिया है, एक महीने के अंदर 56% की रैली। और वॉल्यूम देखो मेरे दोस्त, इससे पहले बिल्कुल छगा रहा था, कुछ भी नहीं है, और अब एक पावरफुल वॉल्यूम के साथ। एक स्टॉक आपको मैं दिखाना चाहता हूं, वंडरला हॉलीडेज, माइंड ब्लोइंग दिखाऊं वंडरला हॉलीडेज सर, ये देखो मेरे पास, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे पास ही पोजीशन हो सकती है, सामने है 450 क्वांटिटी, आज ही बाइंग करी है, 450 क्वांटिटी आज ही बाइंग करी है जाते जाते मार्केट में, लाइव बता रहा हूं भैया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसलिए मैं कह रहा हूं, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि भैया स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है, लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है, आपको डिसाइड करना है किस गुरु को पकड़ना है, किसको फॉलो करना है, किसको समझना है, अपने एनालिसिस करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है ये मेरे पास पोजीशन है और हो सकता है मेरे क्लाइंटों के पास भी हो, जो हमारी सर्विस लेते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हो सकती है, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ठीक है, अब 100% ट्रांसपेरेंसी जी, बोलते नहीं है करते हैं, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो, बात की बात है, बट लाइव दिखा रहा हूं, जैसे WPL दिखाया था इस बार भी दिखा रहा हूं, बाकी वो फॉर द बेस्ट।
अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे बैठा है वंडरला, अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे बैठा है वंडरला। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, अपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे बैठा है वंडरला। और प्लीज गो एंड चेक स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम थे, अब जाके इस महीने, ये लास्ट दो तीन चार महीने से आपको ये वॉल्यूम देखने को मिले, इसके बीच में वॉल्यूम ठंडे थे। क्या ये रॉकेट बना सकता है फंडामेंटल? आप चेक करके बताना पावरफुल है या नहीं है। आई डोंट केयर, आई फॉलो ओनली टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में मेरा सेटअप है, ये मेरे सेटअप में है, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। बाकी सर रिस्क है, 100% इसमें रिस्क हो सकता है। मैंने लिया है इसका मतलब आप नहीं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी मेरी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। तो आप ज्यादा नहीं, एक शेयर दो शेयर पांच शेयर लेके सिर्फ देखिए समझिए सीखिए किस तरह से निकाला, क्यों निकाला, और मजा आए तो सीखने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। सीख कर पैसा बनाओगे तो उसका अलग ही मजा है, ठीक है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो आज आपको सीक्रेट है, जो इन लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा, आज ये मैं आपको एड ऑन दिया है। साथ ही साथ में आप प्लीज चेक करें मेरा वीकली न्यूज लेटर, जहां पे मैं फ्राइडे सैटरडे संडे के बीच में ही अपने लेवल्स अपडेट कर देता हूँ, एडवांस स्टॉक्स दे देता हूँ, जिसको पूरे हफ्ते आपको फॉलो करना है, और हफ्ते भर यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक फॉलो करोगे तो ये परफॉर्मेंस है। मैंने गेल दिया था, वोल्टास दिया था, टाइटन दिया था, टेक महिंद्रा दिया था, रेन दिया था, और साथ ही साथ आपको मैंने दिया था PEL, छह स्टॉक्स दिए थे, छह स्टॉक्स में से पूरे हफ्ते में 66,000 रुपीज का प्रॉफिट बना है। अब क्या बच्चे की जान लोगे? फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को भी एक रुपया नहीं देना है टेक्निकल एनालिसिस के लिए और इस तरह के एनालिसिस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी जबरदस्त स्ट्रैटेजी, मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी, मेरी लवेबल स्ट्रैटेजी, मेरी डार्लिंग स्ट्रैटेजी। मजा आया कि नहीं आया दोस्तों? अभी तक नहीं फॉलो किया, फ्री है यार, फॉलो कर लो। इसी चीज का आप लाखों रुपए देते हो, किंग रिसर्च ने आपके लिए फ्री में दिया हुआ है। एनीवे YouTube में डालोगे इस हफ्ते आपको मिल जाएगा। प्लीज इस हफ्ते पेपर में स्टडी को, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, नोट करो क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रूल्स है, और जाके अगले दिन टेस्ट करने की कोशिश करो। 10 दिन पहले पेपर ट्रेड करना, एक एक लॉट से स्टार्ट करना है। अपने बुद्धि खोलो सीखने को, तो आगे बढ़ोगे। तो थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। मैं चाहता हूं कि इसको भी भर भर के आप लव दीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, और बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की कोशिश करिए। क्योंकि सर मैं चाहता हूं कि 5 लाख लोग कम से कम हमारी कल की बात आज को देखने चाहिए। 5 लाख लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। एक छोटा सा मैसेज, मेरे मॉम डैड आए हुए हैं, बहुत खुश है दिल। कल ही आए सर, है ना, कल स्टेशन गया था मैं पापा को मम्मी को लेने के लिए, तो कल पहुंचे हैं। तो अब थोड़ा सा मैं वीडियो ऊपर नीचे कर सकता हूँ आप लोग के लिए बनाने के लिए, मुझे माफ़ी दीजिएगा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से पिताजी को, मम्मी को बुलाता हूँ, मनाता हूँ कि आ जाओ यार, बड़ी मुश्किल से आए हैं। तो उनके साथ जाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, फैमिली टाइम निकालता हूँ। आप लोग भी खुश नसीब हैं अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ में हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ सिर्फ थोड़ा सा वक्त बिताइए, ऐसे ही कुछ भी बात करिए, सिर्फ उनकी सुनिए वो जो बोलना चाहते हैं। मजा आएगा उनको भी और आपको तो डबल मजा आएगा। माँ बाप का जब तक आशीर्वाद है ना, इससे प्यारा आशीर्वाद लाइफ में हो ही नहीं सकता। जरूर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।